हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज ब्रेकफास्ट में बनाते हैं सूजी का चीला। और सूजी का चीला बनाने के लिए हम 1 पाव के लगभग सूजी लिए हैं और इसमें हम आधा चम्मच के लगभग चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच ऑरेगानो और आधी कटोरी के लगभग दही डाले हैं, फ्रेश दही है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और डाल के इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फेंटना है। बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से अच्छे से मिक्स होगा और कोई गुठली नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे 2 चम्मच के लगभग बेसन और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के मिक्स करेंगे। देखिए ये गुठली जैसे बन रही है, तो थोड़ी थोड़ी पानी डालेंगे और थोड़ी थोड़ी पानी डाल के मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक अच्छा बैटर बन के तैयार हो जाएगा। तो हम एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करेंगे और दूसरी तरफ नहीं फेंटेंगे, एक ही तरफ फेंटेंगे। तो ये हो गया बैटर, बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। तो हम इसमें कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें हम कट करके अलग रख लिए हैं। तो हमको इसमें मिला लेना है। और आप चाहें तो इसमें गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, जो भी सब्ज़ी आपको खाने का मन करे उसे मिला लें। तो हम बस प्याज, टमाटर और हरी मिर्च मिलाए हैं और मिला के इसे थोड़ा सा और फेंट लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, थोड़ा सा पीस फेंटना है। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और डाल लेंगे, थोड़ा कम लग रहा था चिली फ्लेक्स तो थोड़ा और डालेंगे, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हम इसे फेंट ले रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई इनो या बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें दही पड़ा हुआ है और थोड़ी देर हम इसको रख के भी छोड़ दिए थे। तो ये बहुत अच्छा सा फूल गया है। और लास्ट में थोड़ा नमक कम लग रहा था तो हम नमक थोड़ा डाल दिए हैं। अब हम एक लोहे का तवा लेंगे, मोटी तले का, और उस पर आप सरसों तेल या रिफाइंड जो आपका मन करे उसे डाल सकते हैं। और डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाए तो हम उसमें बैटर डालेंगे। बैटर को फैलाएंगे अच्छी तरीके से और ये बहुत आसानी से फैल जाता है। तो इसे हम फैला देंगे धीरे धीरे कलछुल की सहायता से या किसी चम्मच की सहायता से, जो आपको आसान लगे उसे आप फैला लीजिए। तो उससे इसको फैला लेंगे और ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है और बहुत फाइबर से युक्त होता है, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट होता है। इसे ज़रूर अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करना चाहिए। तो इसे हम फैला लिए हैं और हल्का हल्का किनारों पर तेल डालेंगे, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और आँच को बिल्कुल मध्यम रखना है, धीमी आँच रखने से ये बहुत अच्छे से नीचे से सिकेगा और पलटते समय टूटेगा भी नहीं। तो आँच बहुत धीमी थी और ये एक तरफ से सूख गया है, तो हम इसे पलट लेते हैं। और ये देखिए कितनी आसानी से पलट गया, कोई भी दिक्कत नहीं आई है और बिल्कुल भी नहीं टूटा है। तो इसे फिर हम एक बार दूसरी तरफ फिर पलट लेंगे और उलट पलट के इसे सोन करने से बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छे से पक जाता है। तो इसे हम उलट पलट के अच्छे से पका लेंगे और इसे निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा बैटर भी डाल लेंगे, उसके बाद भी हम बनाएंगे। इसी तरह से हम सेम प्रोसेस करेंगे और तेल गरम करेंगे और बैटर को डालेंगे। बैटर को डाल के कलछुल या पलटी की सहायता से फैला देंगे और फैला के सेम वही धीमी आँच करना है। और धीमी आँच करने से ये पीछे से अच्छे से पक जाएगा, फिर इसे पलट देना है। तो बहुत आसानी से पलटने में कोई दिक्कत नहीं आई, अब ये बन के तैयार हो गया। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ बनाए हैं नारियल की चटनी और चिली सॉस है, तो इसे हम डाल के और अच्छे से सर्व कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा बैटर बच गया था तो हम एक और चिला बना लेते हैं।